प्रेरणा के अपार स्रोत स्वामी विवेकानंद की कही एक एक बात हमें ऊर्जा से भर देती है। अपने अल्प जीवन में ही उन्होंने पूरे विश्व पर भारत और हिंदुत्व की गहरी छाप छोड़ दी। शिकागो में दिया गया उनका भाषण आज भी लोकप्रिय है और हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का आभास कराता है। स्वामी जी जीवन का एक एक क्षण जन सेवा में लगाते थे और ऐसा ही करने के लिए सभी को प्रेरित करते थे। आइए आज हम इस महापुरुष के अनमोल विचारों को जानते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंख पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपनी मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, तुम ये वो नहीं कर सकते। दिल और दिमाग में टकराव में दिल की सुनो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हो कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। स्वयं पर विश्वास करो। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जो हम बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हवा बह रही है, वो जहाज जिनके पाल खुले हैं इससे टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर जिनके पाल बंधे हैं हवा को नहीं पकड़ पाते। क्या यह हवा की गलती है? हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ।
जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना कोई भीड़ एक सदी में कर सकती है उससे अधिक एक वर्ष में कर सकते हैं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। भगवान की एक परम प्रिय के रूप में पूजा की जानी चाहिए, इस या अगले जीवन की सभी चीजों से बढ़कर। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। भला हम भगवान को खोजने कहां जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। न खोजो न बचो, जो आता है ले लो। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी कमजोर बनाता है उसे जहर की तरह त्याग दो। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। मनुष्य की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं, जब वो केंद्रित होती हैं चमक उठती हैं। यह भगवान से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं है, बल्कि प्रभावी ढंग से उसके सारे बंधन तोड़ देता है। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दम को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। धन्य है वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं।